बिहार के दरभंगा जिला इन दिनों हिंसा की चपेट में है। बाजार समिति से लेकर आसपास के इलाके में कुछ हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। कमतौल थाना क्षेत्र में भी दो समुदायों में हिंसा हो गई, दोनों अलग अलग मामले हैं। बाजार समिति में जहां मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर झड़प हो गई, तो वहीं कमतौल थाना क्षेत्र के मलपट्टी में अंतिम संस्कार को लेकर दो समुदाय भिड़ गए। पुलिस ने हालात को काबू करने की कोशिश में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी की और इंटरनेट भी बंद कर दिया। दरभंगा जिले में 4 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई। 27 जुलाई से 30 जुलाई के बीच मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। शिया समाज अपनी मान्यता के हिसाब से ताजिया के साथ इलाके में जुलूस निकालते हैं। ऐसे में आमतौर पर देखा जाता है आपत्तियों की वजह से हिंसा भड़क जाती है। वहीं बहेड़ा थाना के एक पुलिस अधिकारी शिव कुमार बताते हैं, हिंसा को काबू करने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। अक्सर देखा जाता है लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं, इससे माहौल खराब होता है। हालात काबू में हों और अफवाह ना फैले, इसलिए इंटरनेट बंद किया गया है। उधर दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन और SSP अवकाश कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जिले में पूरी तरह से शांति है। उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और अब तक तकरीबन 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।